नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार राघव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट SPM कॉलेज सीतापुर सरगुजा। आज हम MSc केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 4 टॉपिक गैसियस फ्यूल, जिसके अंतर्गत हम प्रोड्यूसर गैस एवं वाटर गैस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि वास्तव में इससे पहले हम लोगों ने नेचुरल गैस, CNC गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम नए लेक्चर के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, गैसियस फ्यूल प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, जिसमें हमारा पहला गैस है प्रोड्यूसर गैस, जिसे हम उत्पादक गैस के नाम से भी जानते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर गैस का उपयोग जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियों में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस के द्वारा जो होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, फर्नेस में, खासकर आयरन फर्नेस और ग्लास फर्नेस और अन्य उद्योगों में इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सामान्य तौर पर प्रोड्यूसर गैस की हम बात करें तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सर होता है। इट आल्सो कंटेन ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वह 1300 किलो कैलोरी पर क्यूब मीटर होती है और यह एक चिपेस्ट गैसियस फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं इनमें जो कंपोजिशन जो होते हैं वह आपके इस प्रकार से हैं। पहला हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं कि 22 से 30% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसमें। हाइड्रोजन जो होता है 8 से 12% है और नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा है 52.55। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड 3% और बहुत ही कम मात्रा में जो होता है आपको स्मॉल गैस के रूप में इसमें मीथेन पाया जा रहा है। हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि ऊपर में हम इनके प्रिपरेशन की बात करते हैं कि वास्तव में जो होता है इनका हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस जो होता है एक प्रकार का फर्नेस की तरह ही होता है और उसमें जो होता है एक टैंक होता है और उस टैंक में जो होता है सबसे पहले हम कोक माने कोयला और कोयला के रूप में सामान्यतः बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयले को उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात उसमें हम एयर और स्टीम दोनों को जो होता है प्रेशर के माध्यम से उसके अंदर डालते हैं और इनका जो सामान्य तापमान जो होता है वह 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तो निश्चित ही इससे प्रोड्यूस गैस बनने लगते हैं। इनको हम चित्र के माध्यम से देखना चाहेंगे कि प्रोड्यूस गैस कैसे बनता है। साथ ही इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि द रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ स्टील वेसल्स लाइन इनसाइड विद रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एट द टॉप इज द प्रोवाइडेड विद कप एंड कोन अरेंजमेंट एंड द एग्जिट फॉर प्रोड्यूस गैस एट द बॉटम इन हैज इनलेट फॉर पैसिंग एयर। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूस गैस है, गैस प्रोड्यूसर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम में जो होता है यहाँ से हम एयर मिक्सर विद लिटिल स्टीम जो होता है यहाँ पे हम डालते हैं और ऑलरेडी पहले से यहाँ पे जो होता है एंथ्रासाइट या बिटुमिनस कोयला यहाँ पे डाला जाता है इस डायग्राम में टैंक के रूप में। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो होता है जोन पाया जाता है। यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पे जो होता है कोयले के जलने के बाद जो होता है अस गिरता है, उस अस को जो होता है हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं आउटलेट के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे कोल का जो टेम्परेचर यहाँ पे जो पाया जा रहा है कोल जो होता है उनका टेम्परेचर जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस प्रकार से हम ये भी देख रहे हैं कि इनके चार अलग अलग जोन होते हैं और अलग अलग जोन पे इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ये पहला वाला जोन जो होता है जिसको अपन एस जोन बोलते हैं, जो पहला जोन है। सेकेंड जोन देख रहे हैं कंबसन जोन होता है, यहाँ पे जो होता है कार्बन जो होता है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। और साथ ही साथ इसके बाद तीसरा वाला जो जोन होता है जिसको हम रिडक्शन जोन के नाम से जानते हैं और उसके पश्चात लास्ट जो हाई टेम्परेचर वाला होता है वह डिस्टिलेशन जोन होता है। डिस्टिलेशन जोन में यहाँ पे जब डिस्टिलेशन जोन होता है तो यहीं पे जो होता है प्रोड्यूस गैस जो होता है ऊपर निकलता है और निकलने के पश्चात यहाँ से जो आउटलेट है वहाँ से प्रोड्यूस गैस जो होता है वो बाहर निकलता है, उसको हम कलेक्ट करके रिमूव भी कर लेते हैं। इस प्रकार से जो होता है इस फर्नेस या इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग जो होता है प्रोड्यूसर गैस में पाई जाती है। इसके पश्चात हम ये भी देख रहे हैं
जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि पहला जो जोन होता है वो एस जोन होता है। एस जोन में क्या होता है, इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एस, उसमें एस ही होता है। इज द बॉटम इज द अबाउट 8.0 मीटर थिक एंड इज द लोएस्ट जोन, ये सबसे लोएस्ट जोन होता है। एज एयर एंड स्टीम इज पास थ्रू दिस जोन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, माने इस जोन में जो होता है स्ट्रीम और एयर को जैसे ही पास कराया जाता है तो टेम्परेचर जो होता है अपने आप इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड जो होता है उसको हम कंबसन जोन या ऑक्सीडेशन जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कार्बन प्लस ओ टू ऑक्सीजन जो होता है जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न है और 97 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। साथ ही कार्बन जो होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड और 53 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त करता है। ये कंबसन जोन जो होता है प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। लेकिन हमारा तीसरा जोन जो होता है जिसे हम रिडक्शन जोन कहते हैं, रिडक्शन जोन में हम देख रहे हैं कि कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस समय आप देख रहे हैं कि इसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू वो माइनस में है, -36 किलो कैलोरी होता है, जो एक प्रकार का इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कार्बन प्लस H2O रिएक्ट करके CO प्लस H2 बना रहा है जो कि यहाँ पे -29 किलो कैलोरी होता है, और कार्बन प्लस H2O जो होता है CO2 और H2O जो कि -19 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये तीनों रिएक्शन जो होता है प्रकार से इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको बाहर से लगातार जो होता है एयर और स्टीम जो होता है हम देते रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चौथा जो होता है वो डिस्टिलेशन जोन होता है, जिसमें इस जोन में जो होता है हमारा जो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो रिमूव हो जाता है और उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोड्यूसर गैस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम इनकी एप्लीकेशंस की बात देखते हैं तो एप्लीकेशंस भी क्या होते हैं यहाँ पे। पहला जो होता है कि इनको उपयोग जो होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। सेकेंड जो होता है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस यूज होता है उसमें ज्यादातर प्रोड्यूसर गैस का ही उपयोग किया जाता है। और इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, और मेट धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग हम आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोड्यूसर गैस है जो बहुत ही उपयोगी होता है। और इसके पश्चात हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो गैस है इनको हम वाटर गैस क्या बोलते हैं, वाटर गैस, और जिसे हम ब्लू गैस के नाम से भी अपन जानते हैं। वाटर गैस को हम ब्लू गैस भी बोलते हैं। जब हम वाटर गैस की बात करते हैं तो वाटर गैस कोई अलग नहीं है, वाटर गैस का भी जो प्रोडक्शन जो होता है वो सामान्य तौर पे जो होता है और प्रोड्यूसर गैस की तरह ही होता है। लेकिन इसमें जो मुख्य जो हमारा गैस होते हैं वाटर गैस इज ए एसेंशियल मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो कि कंबस्टिबल गैस के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे इनके कंपोजिशन में बहुत सारे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड 44% है, आपका हाइड्रोजन जो होता है 48% है, आपका नाइट्रोजन 4% है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, और 0.84% जो होता है आपका मेथेन पाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसमें कंबस्टिंग गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होता है कंबस्टिंग गैस के रूप में है, बाकी अन्य जो ल्यूमिनस एंड बर्न विद ए ब्लू फ्लेम, ये बहुत अच्छे से ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, और ब्लू फ्लेम के साथ जलने के कारण ही हम वाटर गैस को ब्लू गैस के नाम से जानते हैं, जिसके कारण से इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है 2800 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर होता है, अर्थात इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इनके कंपोजिशन को यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन जो होता है परसेंटेज वैल्यू में है, इस प्रकार से इनके कंपोजिशन को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन वाटर गैस इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम एंड लिटिल एयर अल्टरनेटली ओवर ए रेड हॉट कॉक अबाउट 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस इन ए रिएक्टर, माने यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस की तरह यहाँ पर भी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से रिएक्टर है। रिएक्टर में हम थोड़ी से देखना चाह रहे हैं कि इस रिएक्टर में जो होता है जनरली तौर पे यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होता है जो रेड हॉट होते हैं वो 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। देख लीजिएगा ये एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर में हम ऊपर से जो होता है कोक डाल रहे हैं, और कोक डालने के पश्चात सबसे नीचे लेयर में आ जाता है कोक। कोक को जैसे हम क्या करते हैं यहाँ से स्टीम सप्लाई करते हैं, भाप सप्लाई करते हैं, जैसे हम भाप सप्लाई करेंगे और उसके पश्चात जो होता है हम बाद में एयर
को एंट्री कराते हैं या इनपुट करते हैं तो वहाँ पे तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब तापमान में जब वृद्धि होगी तो वह तापमान जो होता है कोयला जो होता है रेड हॉट हो जाएगा और वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर 900 से 1000 के आसपास होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोयले का जो अस जो होता है गिर जाता है यहाँ पे नीचे की ओर और उसको हम इस तरीके से ये अस है यहाँ पे अस को आउटलेट के द्वारा हम बाहर कर दिया जाता है। देख रहे हैं कि इधर से स्टीम सप्लाई किया जाता है पहले और उसके पश्चात बाद में जो होता है यहाँ से एयर सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही एयर सप्लाई होता है तो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है और इस प्रकार से जो होता है ये हमारा जो वाटर गैस जो होता है कैसे बढ़ रहा है उसको हम रिएक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इट इज ए इंडोथर्मिक रिएक्शन सो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन पाया जा रहा है, यहाँ पर भी इनकी वैल्यू जो होती है बहुत ही कम है। कार्बन जो होता है वह स्टीम, कार्बन मीन्स कोयला और कोयला मीन्स कोक होता है जो ज़्यादातर यहाँ पे बिटुमिनस या एंथ्रासाइट कोक का उपयोग हम करते हैं। वहाँ पे H2O जो होता है वेपर फॉर्म अर्थात स्टीम में है, स्टीम के रूप में है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू -29 किलो कैलोरी होती है जो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखना चाह रहे हैं बट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड एयर इज एक्सोथर्मिक एंड रेजेस द टेम्परेचर टू अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन कार्बन जो होता है जब ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 97 किलो कैलोरी जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 59 किलो कैलोरी एनर्जी जो होता है रिलीज करता है, यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत होते हैं। थस द स्टीम एंड एयर आर सेंड द अल्टरनेटिव द मेंटेन द टेम्परेचर एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। द रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ स्टील वेसल्स lined inside with refractory bricks at the top is has cup and cone feeder and exit for water gas at the base inlet pipe for steam and air are provided at the bottom outlet for us is also available। तो इस प्रकार से ये हमारा वाटर गैस है कैसे बनता है, इनमें किन किन प्रकार की रिएक्शन होती है और कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इनके एप्लीकेशन हम देखना चाह रहे हैं। इट इज यूज एज ए गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल में हाइड्रोजन गैस के लिए हम जनरली तौर पर इनको यूज करते हैं गुड सोर्स के रूप में। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 और हाइड्रोजन प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाता है। सेकेंड देख रहे हैं इट इज यूज एन इल्यूमिनेटिंग गैस, इनका उपयोग जो होता है इल्यूमिनेटिंग गैस के रूप में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन सिरेमिक इंडस्ट्री, जो हमारा सिरेमिक इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें भी वाटर गैस का उपयोग बहुत उपयोग में लाया जाता है बिकॉज ऑफ द इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाटर गैस इज यूज्ड एज ए गुड फ्यूल। चूंकि हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर गैस की कंपैरिजन में हमारा वाटर गैस जो होते हैं वह हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला होता है इसलिए इनका यूज जो होता है एक अच्छे गुड फ्यूल के रूप में किया जाता है। फिफ्थ हम देखेंगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जिसे हम वाटर गैस कहते हैं वह जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल बनाता है तो इस जगह पे भी हम यूज करते हैं। और इट इज आल्सो यूज्ड वेल्डिंग पर्पज के लिए भी हम वाटर गैस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस के बारे में जो होता है चित्रों के माध्यम से रिएक्शंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।